SN Live सच सबसे आगे। ठीक बात तहार तहार जनक बुला कन बुला भाई जी के हमरा लगे चिल्लाई हमर हां वैसे लगे चिल्लाता वैसे कुछ लेडीज वैसे कुछ 15 दिन में अपना बाप के अपना भाई के बुला ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन लाइव। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिवान नगर थाना क्षेत्र के इस्लामिया नगर में घर के बाहर जाकर धमकाने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है दरौदा थाना क्षेत्र के खमौरा गांव के रहने वाले नजरुल हक सिद्दीकी का घर सिवान के नगर थाना क्षेत्र के इस्लामिया नगर में भी बना है। नजरुल हक सिद्दीकी के बेटी ने मीडिया को बताया कि दो बाइक सवार युवक जो कि दरौदा थाना क्षेत्र के खमौरा गांव के रहने वाले हैं, आज दोपहर इस्लामिया नगर स्थित उनके मकान पर आकर दरवाजा पीटने लगे और गाली गलौज करने लगे। नजरुल हक सिद्दीकी और उनके बेटे खारी देश में रहते हैं और वहीं रहकर काम करते हैं। उनकी बेटी ने बताया कि वो घर पर अकेली थी, तभी दो युवक बाइक से उनके घर पहुंचकर दरवाजा को पीटने लगे और गाली गलौज करने लगे। वहीं लड़की ने इस मामले को उस वक्त दोनों युवकों के खिलाफ थाना में जल्द ही FIR करवाने की बात भी कही है। बता दें कि उस वक्त घटना घर में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है और लड़की ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं SN लाइव पर। गंदगी तू बड़ा ठीक बा ना बोलन तू का करबा तुम जा तर जोर करे के करियो रुका रुका जी के रुका कहे जात रह बताइए क्या कुछ हुआ। हम लोग बस घर पे लेडीज रहते हैं, दो लोग आए थे बाइक से और आके गेट पीट रहा था सब और धमकी दे रहा था सब, बोल रहा था खमौरा का है सब, एक का नाम है टंटन और एक का नाम टंटन है और एक का नाम मिंटू है, उसका अनवर राजा भी नाम है, उसका बाप का नाम रहीमुल हक है और आके गेट पीट रहा था और धमकी दे रहा था और गाड़ी जलाने का बात कर रहा था, बोल रहा था कि तुम्हारे बाप को तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम अपने भाई को और बाप को 15 दिन के अंदर बुला लो, नहीं तो 16वां दिन आके तुम लोग को घर से बाहर निकाल देंगे और इस घर में ताला बंद कर देंगे। वो सबको पीटना है, जान से मारने का धमकी दे रहा था, उसके पास बंदूक भी है और लेके आया हुआ था मारने के लिए गोली। आप लोग निकल के नहीं गए बाहर? नहीं, हम निकल के बाहर नहीं गए, हम गैलरी में गए थे तो बहुत चिल्ला रहा था, गाली गलौज भी कर रहा था बहुत ज़्यादा। किस बात को लेके मतलब इतना नाराजगी है? मेरे अब्बा को गाली दिया था 2-3 दिन पहले फोन करके और मेरे भाई को भी गाली दे रहा है फोन करके, गाली गलौज बहुत ज़्यादा कर रहा है और वहाँ बोल रहा है खमौरा में कि यहाँ भी ताला बंद कर दिए हैं और किसको हिम्मत है कि आके मतलब यहाँ पे ताला तोड़ के तुम लोग दिखा दो, ऐसे बोल रहा था। थाना में आप लोग शिकायत की है? नहीं, अभी थाना में हमने शिकायत नहीं की, लेकिन शिकायत करेंगे, जा रही है शिकायत करने। हाँ दोस्तों, हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार और धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप मरीन एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं एवं मरीन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक संस्था लेकर आए हैं। संस्था का नाम है श्रेया मरीन एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय पोल प्रशिक्षण जहां पे 10वीं 12वीं एवं ITI पास अपना नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों, यह 3 साल का प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के दौरान रहना खाना एवं 8,000 रुपया प्रतिमाह स्कॉलरशिप 3 वर्षों तक का प्रदान होता है। यह प्रशिक्षण 18 से 33 वर्ष के युवक अपना नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर है 9576888811 एवं इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.smplmarine.com। यह संस्थान बेली रोड पटना IGIMS के नजदीक स्थित है। दोस्तों, इसकी अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान यहां 8,000 रुपए प्रतिमाह 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है, जो और कई दूसरे संस्थानों से इसे बेहतर बनाती है और सबसे अलग संस्थान है। तो देर किस बात की, इच्छुक युवक अपना नामांकन के लिए जल्द से जल्द हमें